दोस्तों यूं तो अजय देवगन बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, पर जब उन्हें किसी पर गुस्सा आता है तो फिर उसे छोड़ते नहीं है। ऐसे एक बार सनी देओल इनसे भिड़ गए और दोनों में काफी जोरदार लड़ाई हुई। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इस लड़ाई को किसने सुलझाया? ऋषि कपूर ने। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी लड़ाई के पीछे की कहानी बताएंगे कि आखिर कब और क्यों अजय देवगन और सनी देओल के बीच लड़ाई हुई, कैसे ऋषि कपूर साहब इन दोनों की लड़ाई के बीच में आए और दोनों का पैचअप कराया। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना और साथ ही अपने फेवरेट एक्टर ऋषि कपूर साहब के लिए वीडियो को लाइक कर देना। दरअसल बात उस समय की है जब राजकुमार संतोषी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में सनी देओल चंद्रशेखर आजाद का किरदार निभाने वाले थे, वहीं भगत सिंह का किरदार अजय देवगन को दिया गया। पर सनी देओल भगत सिंह के किरदार अपने छोटे भाई बॉबी देओल को दिलाना चाहते थे और उन्हें पूरा यकीन था कि उनके दोस्त संतोषी ऐसा जरूर करेंगे। इसलिए उन्होंने संतोषी से बात की और अजय को इस फिल्म से निकालने के लिए कहा, बॉबी को भगत सिंह का रोल देने के लिए कहा। उस समय ऋषि कपूर साहब भी संतोषी के पास अपने एक फिल्म के सिलसिले में आए हुए थे, पर जब उन्होंने सनी के मुंह से बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो और संतोषी ने भी ऐसा करने से मना कर दिया। फिर ये बात तुरंत ही अजय को पता चली तो उन्हें सनी पर गुस्सा आ गया और ये उनसे लड़ने के लिए पहुंच गए। पहले तो दोनों में बहुत कहासुनी हुई, बाद में एक दूसरे पर हाथ भी उठाया। इनकी इस लड़ाई को देखकर ऋषि कपूर ने इन दोनों को बहुत मुश्किल से अलग किया और उनकी लड़ाई रुकवाई। बाद में दोनों को बैठाकर समझाया कि जो सनी कह रहा है वो गलत है और तुम दोनों को यूं नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि इस पर आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। तुम दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम करते हो, लड़कर कहां जाओगे। पर ऋषि के समझाने के बावजूद सनी बहुत गुस्से में थे और इसी गुस्से में उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। फिर बाद में अपनी फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद बनाई, जिसमें चंद्रशेखर का किरदार खुद ने निभाया और भगत सिंह का बॉबी ने। इस फिल्म के रिलीजिंग डेट को अजय की फिल्म की रिलीजिंग डेट पर ही रखा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सनी देओल ने ऋषि कपूर की बात न मानकर ठीक किया या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट में बताना। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।